प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाने के बावजूद नशा मुक्ति केंद्रों में अव्यवस्था का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कांगड़ा के बडह में स्थित नवचेतना नशा मुक्ति केंद्र में अजय कुमार पुत्र रामकृष्ण वार्ड नंबर 5 गोंदपुर बनहेड़ा अपर निवासी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और नशा मुक्ति केंद्र संचालक देर रात युवक का शव स्वजनों को सौंप गए। स्वजनों ने जब शव को देखा तो उस पर चोट लगने के निशान थे और शरीर का रंग भी नीला बताया जा रहा है। स्वजनों ने जब शव देखा तो उन्होंने सीधा सीधा नशा मुक्ति केंद्र संचालकों पर हत्या का आरोप लगाया है। स्वजन के अनुसार युवक को पीट पीट कर जान से मार दिया गया है क्योंकि पूरे शरीर पर नीले निशान है जिससे ये लगता है कि युवक के साथ मारपीट की गई है। परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस हेल्पलाइन पर की। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस की थ्योरी के अनुसार युवक को केंद्र में कोई दौरा पड़ा जिसके बाद उसकी मौत हो गई। दरअसल पुलिस को शिकायत मिलते ही थाना प्रभारी हरोली ने मौके पर जाकर इसकी जांच शुरू कर दी और केंद्र में लगे सीसीटीवी की फुटेज को खंगाला जिसमें युवक सोया हुआ है और अचानक से उसे कोई दौरा पड़ा उसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन शरीर पर निशान कैसे और क्यों आए इसकी जांच के लिए पुलिस ने नशा मुक्ति केंद्र का रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। एसडीपीओ हरोली अनिल पटियाल ने बताया कि पुलिस को स्वजन की शिकायत मिली है उसी के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और शव को कब्जे में लेकर मौत के कारणों की जांच की जा रही है। यदि युवक के साथ मारपीट हुई पाई गई तो नशा मुक्ति केंद्र पर हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। पिपरी को बड़े ना मैंने इसको खरिया था ना नशा केंद्र में तो इनके साथ बात हुई थी, हम 2-3 महीने में ठीक कर देंगे। तो बहाना नशा निवारण केंद्र में अपना अच्छा हाँ जी नशा मुक्ति केंद्र में डेढ़ा जो है तो फिर उसके बाद क्या हुआ है जी उसके बाद क्या हुआ क्या हुआ उसके बाद इसने पैसे पुसे जमा कराए दिए तो हमने ले गए थे। उसके बाद इसने बोला कि हम जाते हैं मिलने जो रहते थे बाद में बढ़ाएंगे LCD में देख लो कहीं सोया होता है कभी एक दिन तो चाय पी जा रहा था आपको मिलने नहीं दिया जाता मिलने नहीं दिया था। तो अभी कल को इसने फ़ोन किया था दिन को बिल्कुल ठीक है जी तो रात को 1:30 बजे फ़ोन किया इसने इसे दौरा पड़ गया है। नहीं सर पहले भी दौरा पड़ता रहा या नहीं दौरा नहीं पड़ता इसने पहली बार बताया मेरे को यहाँ को कभी नहीं दौरा पड़ा। अच्छा जब वो आए थे आपको उन्होंने डॉक्टर की पर्ची वगैरह कुछ बताई ये कुछ नहीं लगाया उन्होंने दिखाया मेरे को कहा ये इसे दौरा पड़ा है जब मैं तारा तो बोले जी डेड हो गया जी अभी खत्म हो गया अभी तो आपको क्या लगता है कि ये कैसे वे मारा गया है इसके निशान है इसके बॉडी के ऊपर तो इसको सिर के सारे निशान है। मैंने इसको कहा भी आप भागे के वहाँ जहाँ थे हम इसे पोस्टमार्टम कराएंगे और आपको बताएंगे भी आपने क्या किया अपने मारने का अधिकार किसको दिया आपने बिल्कुल ठीक हमने तो ठीक करने के लिए भेजा है ना तो मारने के लिए थोड़ा भेजा है जो पैसे भी दिए इनको तो ऐसे थोड़े दिए भी मारने के लिए दिए हैं। आसपास आपने किसी को फोन किया फोन से बाद में बंदे आया मगर जो तो भाग गए तो फोन किसे करना था जहाँ छोड़ के भाग गए चल गए थे तो बैठे भी नहीं रुके भी नहीं रुके भी नहीं हम तो बुलाया इनको बाहर बुलाया इतनी दूर पे इधर आओ बात करो गेट खोला बोले गेट खोलो और इधर आओ जरा तो इधर मैं उन्हें उतारा उन्हें भाग गए मैं तो उधर रोता रहा ना वो चले गए। मैंने कहा मैंने जब देखा तो उसके पैर में लगी थी मैंने चोट कहाँ से लगी है बोले गिर पड़ा है वो भागे भागते भागते बात किया उन्हें मौत हो चुकी है उधर ही मौत हो चुकी है अच्छा पीछे से पीछे से मरा हुआ लेके आया मृत्यु हो चुकी थी लेकिन उसको उन्होंने दो इसके साथ लेडीज भी उनको भी नहीं पता लेडीज भी ऐसे बिठा के हमारे घर में बैठे उनको ऐसे बैठा रहा सेंटर में बिठा के रखा हुआ उसको लेडीज को नहीं पता मर गया उनका बेहोश जिंदा है जो लेडी आई है ना वही अंदर है बैठी यही है हाँ यही है तो उनको भी नहीं पता उन्होंने तो हमारे से दाखिल कराया था बात उन्होंने कराई थी आपसे हाँ हाँ दो लेडी साथ में आई है उनको भी नहीं पता जजमेंट होने दिया क्योंकि बीच में बिठा के रखा उसको कोरोना में बाद में देखा जब मैंने देखा था लगे हुए थे तो हमने कहा इसे ये तो मेडिकल कराना पड़ेगा